बेमौसम बारिश और बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान बहुत मेहनत करके फसलें उगा रहे हैं। मिर्च उत्पादक किसानों ने आधुनिक तरीके से खेती करके उत्पादन में वृद्धि की है। संयोग से इस बार इसकी अच्छी आवक के बावजूद कीमतें गिरी नहीं है। इससे किसान काफी खुश भी हैं। महाराष्ट्र के सतारा बाजार में कीमतों में भी वृद्धि देखी जा रही है, यानी इस बार मिर्च उत्पादकों के लिए अच्छा समय है। इसके पहले नंदुरबार बाजार में मिर्च का रिकॉर्ड भाव मिला था, लेकिन अब सतारा बाजार में भी मिर्च की कीमत में तेजी देखी गई है। मिर्च की कीमत सतारा बाजार में 80 रुपए तक चढ़ गई है। यहाँ की फसल की क्वालिटी अच्छी बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला देश का सबसे मशहूर मिर्च उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ की गुंटूर मिर्च पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन महाराष्ट्र भी इस मामले में कम नहीं है। यहाँ के कई जिलों में इसकी खेती होती है। प्रदेश के सभी बाजारों में मिर्च की अच्छी आवक हो रही है। अच्छे वातावरण के कारण उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। नतीजतन मिर्च की आपूर्ति बढ़ रही है। हालांकि रेट पर कोई असर नहीं पड़ा है, उल्टा दूसरे राज्यों में मांग की वजह से यहां थोक कीमत 70 रुपए से 80 रुपए किलो हो गई है। कुछ खास मिर्च भी हैं जिनका दाम ज्यादा रहता है। सतारा बाजार में बेदगी मिर्च 320 रुपए, शंकेश्वरी मिर्च 200 रुपए, गंतूर मिर्च 165 रुपए और लौंग मिर्च 180 रुपए से 200 रुपए किलो के भाव से बिक रही है। महाराष्ट्र के मिर्च उत्पादक किसान पिछले दिनों की बेमौसम बारिश से काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें मिर्च सुखाने में दिक्कत हो रही थी। कई जिलों में फसलों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब अच्छा रेट मिलने की वजह से उन्हें नुकसान की भरपाई हो जा रही है। महीने की शुरुआत में नंदुरबार बाजार में 1,00,000 टन लाल मिर्च आ चुकी है। किसानों में संतोष है कि कुछ फसलों को पिछले कई दिनों से अच्छी कीमत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।